अनिल साहब कह रहे थे कि आरएसएस का गढ़ है, मगर मुझे आपको यहाँ देख के लग रहा है कि ये बहुजनों का गढ़। देखिए मैं धन्यवाद देता हूँ कुचामन सिटी के सभी साथियों का, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सुबह इस तरह के प्रोग्राम में भी हम लोग शामिल होने वाले। मैं तो आया था नागौर कल कार्यालय उद्घाटन में, और आज नागौर किसान पंचायत में अपना जो है समर्थन देने के लिए, क्योंकि किसानों की जो लड़ाई है ना वो सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई है देश के वंचित शोषित समाज को भुखमरी से बचाने की लड़ाई, वो लड़ाई है जो अनाज को तिजोरियों में पूंजीपतियों की बंद करने की मुहिम चल रही है वो उसे रोकने की लड़ाई, तो भारतीय संविधान की सुरक्षा की लड़ाई है, क्योंकि लोकतंत्र तानाशाही करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन सरकार कर रही है ना तानाशाही। अगर कहीं भी अन्याय होगा तो क्या बाबा साहब के बेटे चुप रहेंगे? तो मैं समर्थन देने आया उनको ये विश्वास दिलाने कि हमने पहले भी आजादी की लड़ाई के साथ और उससे पहले भी चाहे तमाम तरह के अत्याचार अन्याय हमारे साथ हुए, लेकिन जब देश के हित की लड़ाई शुरू हुई है तो हमने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सेदारी की, और यही बताने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। लेकिन मैं जब मुझे मौका मिला तो मैं अपनी बात जरूर रखता हूं। ये देख रहे हैं ये इतिहास है, कैसा इतिहास, एक ऐसी शख्सियत, हेलो ओ भाई, जिसको पानी पीने की छूट नहीं थी, इजाजत नहीं थी सार्वजनिक जगह से, समझ रहे हो, हेलो, जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते थे उस कमरे में बैठ के पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन तमाम तरह की चीजों से घबराए नहीं बाबा साहब, और लक्ष्य बनाया और करके दिखाया। हजारों हजारों साल की गुलामी जो है अछूतों की, शोषितों की, वंचितों की, महिलाओं की, और एक झटके से काट दी उन्होंने। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पिछले 300 साल का इतिहास उठा के देखा जाता है ना, कि वो कौन शख्स है जिसने यहां से पढ़ के जाने के बाद ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और दुनिया के लिए कुछ अच्छा किया। तो 300 साल के इतिहास में कौन था वो? कौन था? यस, बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने उनको क्या लिखा? नहीं, कोलंबिया ने लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज।